साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11 कृष्णचंद NIOS क्लास 10। सबसे पहले हम समझेंगे कृष्णचंद के बारे में और फिर उसके बाद उनके अफसाने के बारे में कि इस अफसाने में कृष्णचंद ने क्या कहा है। उर्दू अफसाने की दुनिया में कृष्णचंद का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उन्होंने तकरीबन 80 किताबें लिखी जिनमें उनके अफसाने, नॉवल, ड्रामे, रिपोर्टाज, मजामीन वगैरह शामिल है, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत एक अफसाना निगार की है। कृष्णचंद की पैदाइश 23 नवंबर 1914 को वजीराबाद पंजाब में हुई। वो नस्ली कश्मीर थे और इब्तदाई तालीम कश्मीर में पाई। आला तालीम लाहौर से पूरी की। उन्होंने सहाफत की हैसियत से अपनी मुलाजमत का आगाज किया। उसके बाद कुछ दिनों रेडियो से वाबस्ता रहे, फिर फिल्मी दुनिया से मुंसलिक हो गए और आखिर तक मुंबई में ही मुकीम रहे। रेडियो से मुलाजमत से कबल उन्होंने वकालत भी की और साथ ही साथ उर्दू और अंग्रेजी मजामीन भी लिखते रहे। सही मानों में उनकी अदबी जिंदगी का आजाद मौलाना सलाहुद्दीन अहमद के रिसाले अदबी दुनिया लाहौर से हुआ, जहां मौलाना सलाहुद्दीन ने उनके बेहद हौसला अफजाई की। उनके अफसानों का मजमुआ तिलस्मी ख्याल के नाम से शाया हुआ। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट मेन बात है, ध्यान से सुनिए। कृष्णचंद जी के बारे में, कृष्णचंद ने तकरीबन 500 अफसाने और 2 दर्जन से ज़्यादा नावल लिखे हैं। उनके अफसानों के नुमाइंदे मजमुआ नज़ारे, जिंदगी के मोड़ पर, टूटे हुए तारे, अंदाता, 3 गुंडे, समुद्री दौर, अजंता से आगे हम वेशी है, मैं इंतज़ार करूँगा, दिल किसी का दोस्त नहीं, किताब का कफन, 1 रुपये, 1 फूल वगैरह है, जिस जबकि शिकस्त, जब खेत जागे, आसमान रोशन है, पावन बत्ते, 1 औरत, 1000 दीवाने, मेरी यादों के चिनार, चांदनी के घाव, कागज की नाव, 1 गधे की सरगुजिश वगैरह नॉवेल है। कृष्णचंद इश्तराकी नजरिया जिंदगी यानी समाज मसावात में यकीन रखते थे। उनके नज़दीक इंसानों के दरमियान किसी किस्म का इम्तियाज दुरुस्त नहीं। अवाम से मोहब्बत करना और जुल्म तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाना ऐसे औसाफ है जो उनके तमाम अफसानों में देखने को मिलते हैं। उनकी ज़िंदगी जज्बाती, शायराना, शीरी, आसान और अदवार है। कृष्णचंद के अदबी कारनामे, उन्हें मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड से नवाजा गया। 1966 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। हिंद हुकूमत हिंद ने 1959 में पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा। 8 मार्च 1970 को उर्दू अफसानवी दुनिया को जगमगाता सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब इनका जो अफसाना है पूरे चांद की रात, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। सबक में आए मुश्किल लफ्ज़ों के मानी भी सीखेंगे, ठीक है। कृष्णचंद के अंदाज तहरीर से वावस्ता होंगे, ये सब चीज़ें हम अफसाना पूछ की रात में समझेंगे कि अफसाना पूछ की रात में इन्होंने क्या बताया। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। अप्रैल का महीना था, बादाम की डालियां फूलों से लद गई थी और हवा में बर्फीली खंकी के बावजूद बाहर की लताफत आ गई थी। अगले माह तक ये सफ़ेद फूल इसी में डूब जाएंगे। और यहाँ पर आगे कृष्णचंद बताते हैं कि पहाड़ों के चेहरों से गहरा कोहरा दूर होता जाएगा और उसके आगे बता रहे हैं कि भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी कफ ऑन गर्मियों के कतर कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। इसके आगे लिखा है, लेकिन अभी अप्रैल का महीना है, अभी तंगों पर पत्तियां ना फूटी थीं, अभी पहाड़ों पर बर्फ के कह रहा था, अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज़ से गूंज न था, अभी समल की झील पर कमल के चिराग रोशन न हुए थे, झील का गहरा पानी अपने सीने के अंदर लाखों रूपों को छुपाए बैठा था, रूपों को जो बाहर की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलोस हंसी की तरह खिल जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने ऐसे ही अफसाना में मंजर कशी की है और उसके बाद कह रहे हैं आगे यहाँ पे, पुल के जंगले के सहारे लेकर एक अरसे से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सहपहर ख़त्म हो गई, शाम आ गई, झीलों चली गई, मतलब ये सारी बातें हो गई, कागज़ की नाव की तरह कमज़ोर बेनज़र आ रहे हैं। शाम का करमजी रंग आसमान के किनारे है,
और इस तरह अपने, और फिर चांद निकल आया और फिर वह आ गई तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी की ढलान पर दौड़ती हुई वो मेरे करीब आकर रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेज़ी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेज़ी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहाँ रख दिया और उसके गहरे सिया बालों को परेशान गुन जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया। मैंने उससे कहा, सहपहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने हंसकर कहा, अभी रात हो गई, बड़ी अच्छी रात है ये। उसने अपने कमज़ोर नन्ना छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया, यानी कंधे पर, जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कंधे पर सो रही हो। देर तक खामोशी रही, देर तक मैं खामोश रहा, फिर वे अपनी ही आप हंसी बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे क्योंकि मैंने कहा मुझे डर लगता है, अब आप मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है, आज मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है, सोना नहीं जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफे की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी, और यही तो सहपहर तैयार कर रही थी इधर आने की, लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का ये जोड़ा कल धोया था, आज सुखाना था, इसे आग पर सुखाया और अम्मा जंगल से लकड़ियाँ चुनने गई थी, वे भी अभी ना आई थी, और जब तक वे ना आती मैं मकई के भुने भट्टे और खुश्क खुबानियाँ तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ। देखो ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय, तुम तो सचमुच खफा खड़े हो, मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ, आज पूरे चांद की रात है, आओ किनारे लगी हुई कश्तियाँ खोले और झील की सैर करें। इसके बाद इसमें है, उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा। जब मैं उस वक्त चांद जिनमें उस वक्त चांद चमक रहा था और ये चांद मुझसे कह रहा था, जाओ तुम नाव खोलकर झील के किनारे पर सैर करो, आज बादाम की पहली कलियों की खुशियों से भरा त्यौहार है, आज इसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा और नन्नी बहन और बड़े भाई सबको धोखा दे दिया, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है और बादाम की सफ़ेद ठंडी कलियां बर्फ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए और कश्मीर के गीत उसकी छातियों में बच्चों के दूध की तरह उमड़े हुए हैं, उसकी गर्दन तुमने ये मोतियों की सिद्ध लड़ी देखी, ये सुर्ख सिद्ध लड़ी उसके गले में डाल दी, और उसने कहा तो आज रात भर जागेंगे, आज कश्मीर की बहार की पहली रात है, आज तेरे गले से कश्मीर के ही गाने गाएंगे जैसे चांदनी रात में ज़ाफ़रान के फूल खिलते हैं, ये सुर्ख सात लड़ियाँ पहन लें। उसके बाद आगे इसमें है, चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान आँखों की पुतलियों से झांक कर देखा, फिर एकदम किसी पेड़ पर बुलबुल का गाना शुरू हो गया और सब उसको सुनने लगे। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, बुलबुल की आवाज़ से चिराग झिलमिलाने लगे और टहनियाँ भी झूमने लगी, बच्चों के हंसने की आवाज़, मर्दों के कहकहे और बच्चों के रोने की आवाज़ छतों से, और ज़िंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं, और शाम के खाने की महक, और चावल गरम गरम रोटी, साग का नरम नमकीन और लतीफ़ जायका, और पूरे चांद की बहार पैदा करने वाली जौबन। मेरा गुस्सा अब ख़त्म हो गया, मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उससे कहा, आओ चलें झील पर। पुल ख़त्म हो गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम के दरख्तों की कतारें भी ख़त्म हो गई, अब हम झील के किनारे चल रहे हैं, किनारों की झाड़ियों में मेंढक की टर्टर बोल रहे थे, मेंढक की फूंडी आवाज़ का शोर दूर तक सुनाई दे रहा था जैसे कोई नगमा गा रहा हो।
और मुख्तलिफ साजों में सोई हुई झील के बीच में चांद की कशिश खड़ी थी। मैं खामोशी से चुपचाप मोहब्बत के इंतज़ार में हज़ारों साल से इसी तरह खड़ी। मेरी और उसकी मोहब्बत के मुंतज़िर, तुम्हारी और तुम्हारी महबूब की हंसी के मुंतज़िर, इंसान के इंसानों को चाहने की आरज़ू के इंतज़ार में पूरे चांद की हसीन पाकीज़ा रात मोहब्बत और पाक लम्स के मुंतज़िर हैं। कश्ती की एक खुबानी के पेड़ से बंधी थी जो बिल्कुल झील के नज़दीक लगा हुआ था। झील के किनारे से होने की वजह से यहाँ की ज़मीन बड़ी नरम थी और चांद की रोशनी पत्तों को ओट से छनती हुई आ रही थी, मानो चांदनी अपना सारा हुस्न पत्तों की ओट में ज़मीन को दे रही और मेंढक धीमे धीमे अपना नगमा गा रहे थे। उसकी आवाज़ धीरे धीरे पानी को चीरती हुई आ रही थी। झील का पानी बार बार किनारे को चूमता और जब ये लहर किनारे को चूमती तो उसकी सदा हमारे कानों में बार बार आती। अब ये झील पे पहुंच गए तो ये झील का मंजर जो है ये बयान कर रहे हैं। जैसे वो झील और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था और हवाओं नरम झोंकों में गीत गा रहा और लाखों मंदिर मस्जिदों और कलीसों में दुआओं का शोर बुलंद हो जाता और ज़मीन के फूल, आसमान के तारे और हवाओं में उड़ने वाले बादल सब मिलकर चने लगते और इधर और धीरे धीरे कमल भी सिमटने लगा कलियों की तरह और जो गीतों की बुलंद आवाज़ थी अब मध्यम होने लगी। नाच भी धीमा धीमा पड़तरक गया। अब सिर्फ वही मेंढक की आवाज़ थी, वही झील के नरम नरम बोसे। मैंने धीरे से कश्ती खोली, वो कश्ती में बैठ गई। मैंने कश्ती के पतवारा अपने हाथ में लिए और कश्ती को खाकर झील की मरकज़ में ले गया। यहाँ पर कश्ती अपने आप ही खड़ी हो गई। ना इधर बहती थी और ना उधर। मैंने कश्ती को पतवारा उठाकर इधर रख दिया। उसने पोटली खोली, मैंने चरवाला अंकल के मुंह दिए, खुद भी खाने लगी। जरवालू खुश थे और खट्टे मीठे। वे बोली, ये पिछली बहार के हैं। मैं चरवालों खाता रहा और उसकी तरफ देखता रहा। वह आहिस्ता से बोली, पिछली बहार में मैं न था और चरवालों के पेड़ फलों से भर गए थे और ज़रा सी शाख हिलने से फूल टूटकर सतह ज़मीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते थे। पिछली बहार में मैं न था और चरवालों के पेड़ फलों से लधे बंधे थे। सब चरवालों, सख्त खट्टे चरवालों जो नमक मिर्च लगा के खाए जाते हैं और ज़बान सी सी करती और नाक बहने लगती। चरवालों को हमने खुश खुबानी खाई। खुबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम न होती थी, मगर जब दहन के लुआब में घुल मिल जाती तो शहद और शक्कर मज़ा देने लगी। नरम नरम बहुत मीठी, मैंने कहा। उसने एक गुठली को दांतों से तोड़ा और खुबानी का बीज निकाल कर मुझे दिया। खाओ, बादाम की तरह मीठा है, ऐसी खुबानियाँ मैंने कभी नहीं खाई, उसने कहा। ये हमारे आंगन का पेड़ है, हमारे यहाँ खुबानी का एक ही पेड़ है मगर इतना बड़ी सुर्ख और मीठी खुबानियाँ होती हैं कि उनमें मैं क्या कहूँ। सब खुबानियाँ पक जाती हैं तो मेरी सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और खुबानियाँ खिलाने को कहती हैं। इसमें उसने बहुत सोचा, पिछले पहर में ना थे मगर खुबानी पड़ा आंगन में इस तरह खड़ा है। पिछली बहार में वो नाजुक पत्तियों से भर गया था, फिर उसमें कुछ कच्ची खुबानियाँ। यहाँ पे खुबानियों का जिक्र है। वे बोली, ये मिस्री मकई के पट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने पट्टे खाते हुए कहा। वे बोली, पिछली फसल के रखे थे कड़ों में छुपा कर अम्मा की आँख से ओझल। फिर उसके बाद बात चलती रहती है उनकी।
फिर आगे कहते हैं, उसने पट्ठा मेरे मुंह से लगा दिया और उसके होठों का गरम गरम नमनाक लिम्स भी अब तक उस पट्ठे पर था। वह पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही है जैसे वे अभी कल आई थी। अब यहाँ पे ये बताता है कि वो इसको याद कर रहा है और पुरानी बात है, उसकी उम्र 70 साल है। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं देखी। फिर उसके बाद वो इसका जिक्र करता है, आगे चलते हैं। फिर वो कहता है कि अब मैं 48 बरस के बाद लौट कर आया हूँ। मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियाँ और उस बच्चे मेरे साथ हैं। हम लोग सैर करते करते समल झील के किनारे आ निकले हैं और अप्रैल का महीना है, सहपहर शाम हो गई है और मैं देर तक पुल के किनारे खरा बादाम के पेड़ों की कतार में देखता हूँ। फिर इसे वही सारी बातें याद आती हैं। अब फिर उसके बाद घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं, कोई भारी आवाज़ में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप कर देती है। मैं सोचता हूँ आधी सदी हो गई मैंने इस घर को नहीं देखा, देख लेने में क्या हर्ज है। मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं, एक जवान औरत अपने खाविंद के लिए रकाबी में खाना रख रही है, रकाबी बर्तन होता है प्लेट, मुझे देखकर ठिठक जाती है। दो बच्चे लड़ रहे थे, मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी गुस्से में डांट रही थी थम के पास आगे खड़ी हो जाती, कहती है कौन हो तुम? मैंने कहा ये मेरा घर है। वे बोली तुम्हारे बाप का घर है? मैंने कहा मेरे बाप का नहीं, मेरा है। कोई 48 बरस हुए मैंने इसे ख़रीदा था, बस उस वक्त तो यूँ इसे देखने के लिए चला आया, आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूँ। ये घर तो बस समझिए अब आपका है, मैं तो यूँ ही। मैं ये कहकर लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियाँ सख्ती से थम पर जम गई, उसने सांस जोर से अंदर को खींची। तो तुम हो, अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने? वो थम से लगी देर तक खामोशी खड़ी। मैंने नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ तकता रहा। फिर वो अपनी हंसी दी, बोली आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलाऊं। देखो ये मेरा बड़ा बेटा है और ये इससे छोटा, ये मेरी बेटे की बीवी है, ये मेरा बड़ा पोता, सलाम करो बेटा, ये पोता, ये मेरा खाविंद है। शीश इसे झुकाओ नहीं, बरसों से इसे बुखार आ रहा है, सोने दो इसे। वे बोली तुम्हारे क्या खातिर करूं? मैं देवर पर घूटी से टंगी हुई मकई के बूटों को देखा, सिके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों की तरह शफाफ दाने। हम दोनों मुस्कुराए। फिर उसके बाद आगे बात होती है कि वे दोनों भागते भागते झील के किनारे दूर तक चले गए। ज़िंदगी के दो खूबसूरत मरखे, हम देर तक उन्हें देखते रहे। मेरे करीब आए, बोले आज तुम आए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी बना ली। उसकी सारी खुशियाँ गम देखती हैं। फिर उसके बाद वो दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे वापस आ गए, हमने मेरी पोती को उठाया और मैंने उसके पोते को। इस तरह वो दोनों जो गुड़िया हो गई थी उसकी जो है मोहब्बत थी। हमारे बच्चे हमारे गोद से उतरने लगे क्योंकि वो अलग अलग खेलना चाहते थे। वे भागते हुए खुबानी के दरख्त के करीब चले गए जहाँ कश्ती में। मैंने पूछा ये वही दरख्त है? उसने मुस्कुरा कर कहा नहीं, ये दूसरा है। तो यहाँ पे भाई इसके मुश्किल अल्फाज हैं और यहाँ पे इसकी ये तशरीह है, आप इसकी तशरीह को भी देखिए, ठीक है। और इसकी PDF भी आपको मिलेगी, ये इसके जो है सही गलत हैं, सही गलत भी देखिए। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे भी है, इसको भी देखिए। और सवाल है पढ़िए और इनकी जवाब देना है। यहाँ पे भी तशरीह है, सवाल जवाब भी हैं और इसकी PDF भी आपको इसमें मिल जाएगी। अफसाने के इस जुमले से धरती थी तख्लीक था, मोहब्बत के गीत था क्या मतलब है, इनमें चार में से देखना है और इसका आंसर। इसके बाद जो है भाई यहाँ पे सवाल, अफसाना बयान करने वाले अपनी महबूबा से पहली मुलाकात का हाल लिखिए। अफसाने का कार
कार्वी का क्या कहना चाहता है। फिर उसके बाद 48 बरस बाद जब अफसाना बयान करने वाला अपनी पिछली बहार की महबूबा से मिलता है तो किस गलत फहमी का इजाला होता है। तो उसको पता चलता है, मगर उसमें शक में था कि महबूब का पुराना इश्क समझ लिया था। दरअसल उसका महबूब का सगा भाई था जिसे कोई उसकी महबूबा ने अपने शोहर यानी उसे मिलाने के लिए रोक लिया था। ठीक है भाई, उसके बाद बादाम और फूलों के बारे में है कुछ क्वेश्चन। किशनचंद का अंदाज़ तहरीर के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ से देखिए, अंदाज़ तहरीर, उनकी तहरीर छोटे जुमले होते हैं, बहुत आसान इश्तियारात तजवी का इस्तेमाल करते हैं। किशनचंद के किसी 5 अफसानों का नाम लिखिए, इम्पोर्टेंट है ये। टूटे हुए तारे, अंधाधा, 3 गुंडे, अजंता से आगे हम वेशी हैं। किशनचंद के अफसानों कब शाये हुए? किशनचंद के अफसानों का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? तिलिस्मे ख्याल। ठीक है, इसके बाद पूरे चांद की रात किस तरह का अफसाना है? पूरे चांद की रोमानी अंदाज का अफसाना है, इसमें जो है इश्क या मजामी। अफसाने के 2 अहम किरदार कौन से हैं? अफसाने के 2 अहम किरदार मैं और वो है। ठीक है जी, इस तरह यहाँ पे ये आखिरी है और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। और इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से सवाल जवाब कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो ऊपर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट जो उर्दू में हैं NIOS के, वो सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शुक्रिया।